दीपक भार्गव जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ के द्वारा चलाए जा रहे खनन बच्चे की धरपकड़ के विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह व पुलिस उपाधीक्षक व्रत गंगराज नीतिराज सिंह के मार्गदर्शन में थानाधिकारी गंगराज शिवराज गुर्जर के निर्देशानुसार बच्चे माफिया व बच्चे के स्टॉक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु दिनांक 27 अगस्त 2020 को नगची राम थाना गंगरार में जाप्ता व माइनिंग विभाग के माइंस फोरमैन जमुना शंकर गुर्जर के साथ संयुक्त रूप से निकट ग्राम सोनियाना में सुलिखेड़ा जाने वाले रास्ते पर दो अलग अलग स्थानों पर बच्चे के स्टॉक पर छापा मारा गया, तो एक जगह करीब 30 डंपर खाली किए गए हैं और 900 टन बजरी व दूसरी जगह पर करीब 15 डंपर बजरी खाली कर रखे हों। 450 टन बजरी कुल 1350 टन बजरी होना पाया गया। मौके पर बजरी स्टॉक करने वालों के बारे में जानकारी की गई तो बजरी के 900 टन स्टॉक किसी योगेश खट्टिक निवासी सोनियाना, प्रहलाद जाट निवासी बावड़ी खेड़ा, जगदीश रेबारी लालाराम रेबारी नारायण जाट निवासी सुलीखेड़ा व 450 टन स्टॉक भेरूलाल रेबारी व प्रकाश सुथार निवासी सुलीखेड़ा द्वारा किया जाने पर प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।